और किसानों के साथ मैं जैविक खेती का सपोर्ट नहीं करता। श्री किशन जी बैठे हुए माफ हमें समझे, रेमंड का कपड़ा हर आदमी नहीं, 4,000 रुपया मीटर काटन का रेमंड कितने परसेंट लोग खरीदते हैं? 1%। 80 रुपया किलो जैविक आटा कितने लोग खरीदते हैं? हम नहीं, हम जैविक की बात ही नहीं, हम 80-20 की बात करते हैं। हम केचुआ बचाओ धरती बचाओ का काम करते हैं। इस धरती को अगर बचाना है, खेत को बचाना है, तो केचुआ बचाओ। ये मेरे हाथ का फोटो था और मेरे घर में इतना केचुआ है, इतना है, और मेरी पत्नी का केचुए से सख्त ना पड़े, और कुछ दाढ़ी वाले से सख्त, मेरी दाढ़ी नहीं बन गई, जेपी आंदोलन आए, और मेरी पत्नी को दाढ़ी वाले से सख्त, 75 में मैं बचपन की शादी हो गई थी, तो अब जैसे दाढ़ी बड़ी होती है वो घर में चिल्लाना शुरू कर देती है, मेरी बेटी का ठीक हाथ मम्मी का डांट खा दीजिए दादी ने, तो इसलिए केचुआ मेरे हाथ पे है, तो वो जब देखती है तुम्हारे हाथ में चाय भी नहीं। तो केचुआ बचाओ धरती बचाओ, आगे बढ़ा दीजिए भैया। ये उत्तर प्रदेश की बेसिक रूप से कंजम्पशन है, जो यूरिया डीएपी का कंजम्पशन भारत का है। आप देख रहे हैं सर, 10 वर्षों में हमारी जो है वो गिर गई। मैंने कोटिंग नहीं की आज के मैं सर, उत्तर प्रदेश में 2,00,000 टन केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन हर साल, ये शायद आपके राज्य में भी 2,00,000 टन केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन, हम मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टेट्स की रिपोर्ट है, जो स्टेट को और इससे अगर दुर्प्रभाव है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति वो खत्म हो गई। प्रकृति का पहला हलवाहा हम लोग बचपन में थे, आप लोग भी बचपन में, किसान को कहा जाता था केचुए को, ये प्रकृति का पहला हलवाहा, हलवान ने हल चलाने वाला, मेरे पिताजी भी हल चलाते, मैंने तो हल चलाने की कोशिश की लेकिन उसका बाप पता चला कि बैल के पेड़ के पास पहुंच गया, तो मैंने उसे पकड़ लिया। अब पहला हलवाहा था 1965 तक, हमारी फूड सिक्योरिटी माइनस, हमें पेट भरने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से अनाज और वो थर्ड क्लास का अनाज दोनों कंट्रीज़ हमारी थी। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी देश की, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नारा, ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा पंजाब एंड हरियाणा से स्टार्ट हुआ और पूरे देश में फैल गया, और उत्पादन हमारा बढ़ा, रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, लेकिन हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति, 13 दिन का प्रयास था, जब हम उसको निकालते थे आग की तरह करता निकलता, वो मेड इन चाइना मेड इन कोरिया नेपाल उपाल से हम लोग की चोरी छुपे आता था। और एक जो बेसिक रूप से मार्जिन होता था, हम भी एक मीडियम परिवार के, अमीर उमीर परिवार के नहीं, 5 किलोमीटर नंगे पांव पढ़ने जाना, आपके सामने परीक्षा चला, ये मेरे जीवन था, तो वो मार्जिन का कपड़ा पहनते थे सर, क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं रहते थे, तो मेरी कार कहाँ से खेल, जब इलाहाबाद भी नहीं गए तो 13 दिन मिल गया था। सर एक विद्वान साइंटिस्ट ने, मैं उसी को विद्वान मानता हूँ, बहुत कम लोगों को विद्वान कहता हूँ, मैं मेरा अपना विचार है दूसरे के नहीं, उसने 13 दिन जो हमारा था और सूती कपड़ा मार्किंग दोनों को मिला करके टेरी कार करा, याद है सर 67-33 का कपड़ा आया था, 80-20 का कपड़ा आया था, हम कितने सालों से पहन रहे 50, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसी तरह हम किसान को कहते हैं कि 70-80% यूरिया डीएपी को माइनस करो, 20% यूरिया डीएपी डालो, बेहतरीन उपज लो, केचुए वापस आ जाएंगे, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा, हेल्दी फूड आपको टॉनिक के रूप में यूज करना, आपके पास कच्चा माल होगा तो रेमंड का कपड़ा तैयार करो, मैं 4,000 रुपये मीटर ले ले, कोई 80 रुपये किलो गेहूँ आपके खरीदने वाले में जा खरीद ले, मोदी जी जैसे लोग खरीद लेंगे। जैविक हम जैविक बात ही नहीं करते किसी को, मैं कहता हूँ आपके पास जरूरत हो कीजिए, हम जैविक का बात ही नहीं करते, न विरोध करते, आपके पास कच्चा माल हो तो
आगे बढ़ा दीजिए। खेती की लगातार बढ़ती उत्पादन लागत, लागत किसानों का हर साल बढ़ रहा है, यूरिया डीएपी कंजम्पशन, कीटनाशक का प्रभाव, हमारा परंपरागत बीज खत्म हो गई, जो धान हमको किसान के अगल बगल से मिल जाता, बहुत दूर पसेरी हमको दे देना, एक पसेरी लेना बच्चे में दे देते तो खत्म हो गया, मंडी में संकट नहीं पाती, तो अब पूरा बाजार में बीज हो गया, तो उससे महंगी बीज खरीद रहे। मेरी जब शादी होती थी हमारे यहाँ यूपी में, तो जब हमारी पत्नी आती थी तो वहाँ से आखत में चाव धान आता था, वो खेत में लगाया जाता था, अगर उसका फाउंडेशन बीज अच्छा होता तो दुर्गा हमारी एक आठ, तो पानी और ऊर्जा की खपत पड़ेगी, केचुआ ना होने से मिट्टी कम पैक्ट होती जा रही है, तो नमी कम हो गई है। एक तो किसी बेकूल साइंटिस्ट ने किसानों को बर्बाद करने के लिए रोटा बेटर डेवलप कर, हो सकता है इसमें गांव से काफी लोग होंगे, किसान तो रोटा बेटर खेतों में चलता है और वो 2 इंच की जुताई कर रहा होगा, 2 इंच के बाद मिट्टी कम्पैक्ट होनी चली गई, तो जो जमीन ऊपर से आसमान से पानी बचे तो नीचे जाएगा ना, नहीं जाएगा, क्योंकि हम कल्टीवेटर का प्रयोग ही नहीं करें, पहले हल चलते थे, बाद में ट्रैक्टर आ गया, वो 9 इंच की जुताई करता था, अब 2 इंच की जुताई करता है, उससे हमारी पानी और ऊर्जा की खपत, किसानों सरकार दोनों पर आत्मनिर्भर, पशुओं की संख्या घट गई, पहले बैल और किसान दोनों मिलकर खेती करते थे, कहते थे सर अपने अपने हिस्से की चीज को खाते थे, भूसा क्या था, पुआल, बैल खाता था अनाज, बदले में हमको पर्याप्त मात्रा में गोबर मिलता था, उससे कंडा भी बनता था, हमारे ईंधन का उपयोग होता था और पर्याप्त मात्रा में हमको खाद भी मिल जाता, तो अब यांत्रिक खेती हो गई, झारखंड में कहीं कहीं या बिहार के कुछ हिस्सों में हो सकता है अभी बैल से खेती करते मिल जाए, लेकिन कहीं एकाध होंगे, नहीं सब यांत्रिक खेती होगी, मतलब ट्रैक्टर आ गए, तो हमारे पास गोबर पशुधन खत्म हो गया, पशुधन लोग पालना नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम ये कि हम कच्चा जैविक खेती लिए लाए क्या आगे दे देंगे, घर की आत्मनिर्भरता बीज खाद रसायन पैक कर दिए, किसान के पास खेत है, खेती नहीं होती, पूरा पूरा बाजार के हवाले, आपको बीज कहाँ बाजार में, अगर आपका पंपिंग सेट ट्रैक्टर चलाना है डीजल तो बाजार में, तक नहीं सर यूरिया डीएपी खरीदना तो बाजार में, कीटनाशक खरीदना बाजार में, आपके पास क्या है का? आप 5 एकड़ से खेती रखिए, खेत है खेती नहीं, खेत बचा किसान खेती नहीं, जिस फिर ये मल्टीनेशनल कंपनियां बीज को 2000 रुपए किलो पहुंचा देंगी ना, तो किसान का सुनना है अब 600-800 रुपए किलो धान का मिल जाएगा, 600-800 तक पहुंच चुका है, सरसों का बीज कितना तक पहुंच गया 2000 रुपए किलो, तो अरे भाई वही तो मल्टीनेशनल कंपनियां, सभी सरकारों ने यही किया, हम एक सरकार की नहीं सभी सरकारों ने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को बड़ी बड़ी कंपनियां फेलोशिप दी, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन सबको बुलाई और उनके बीज को प्रमोशन के लेकर के बस आगे ले गया, खाद्य और सुरक्षा के नाम पर उत्पादन के लिए दबाव, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई 140 हो गए, तो अनाज की मांग बढ़ेगी, और सरकार जो है वो शहरीकरण का विस्तार कर रही है, खेत आ रहा कुर्बान के एक्सप्रेस वे बन रहा है, खेत तो वाली जा रही, खेत तो बढ़ेगी नहीं, तो खेत तो घटती जा रही है, इंडस्ट्री लगेगी तो खेत में लगेगी, तो दबाव है कि हम उत्पादन को ज्यादा जो उत्पादन बढ़ाएंगे तो क्या खेत निकालेंगे, परंपरागत गोबर जो हमारा था जलावन के रूप में हम उपयोग करते थे वो भी नहीं रह गया, तो गांव में 90% लोग 1140 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, जो रियल थी मेरे घर में भी करने से खाना मैं झूठ नहीं बोलता, 1180 रुपए का सिलेंडर हर आदमी नहीं खरीद सकते, तो परंपरागत रूप में जो इस समय हमारे पास जो भी किसी के घर में पत्थर है तो वो कोशिश करता है ठंडा बनाने, ठंडा मीन्स या तो कहीं इडली कहते हैं या ठंडा कहते हैं वो, जिससे हम खाना बनाते हैं, हमारा जंगल खत्म हो गया लकड़ियां नहीं बची इसलिए गोबर का उपयोग करके हम कंडा बनाते हैं, 1140 रुपए का सिलेंडर बहुत मुश्किल से लोग हम एक तजुर्बे की एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज किया जाए जो सरल पद्धति और स्थानीय रूप में कच्चा माल आगे बढ़ा दीजिए,
और आगे बढ़ा दीजिए। भारत में ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, जैविक खाद केवल 8% है, इसमें से ठोस जैविक 10% और तरल खाद 2%। ये भारत का आंकड़ा पूरे देश में इतने लोग की और रासायनिक खादों पर इतना जोन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार जा रही है, एक बोरी एक टन यूरिया पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी है वो 27,000 रुपए टन और डीएपी पे 40,000 टन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खराब है। अभी देखिए ये हम दिखा रहे हैं पूरे पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश का मैंने स्टेटिस किया कि 91 तक हमारा जो जोन था नीचे का जो दिखा रहे हैं तब हमारा रेड जोन नहीं था, मतलब खतरे की घंटी नहीं थी। 91 के बाद पूरी खतरे की घंटी बच गई, पूरी मिट्टी खराब हो गई, स्ट्रक्चर केचुआ मर गया, सब कुछ मर गया। एक एकड़ में 40-45 लाख केचुआ होता था और जमीन पर 70-72 हजार करोड़ छेद करता था, 55 याद कीजिए। जैसे पानी बरसता था, अगर खेत की मेड़बंदी हमारी थोड़ी ठीक होती थी तो 1 एकड़ में 8-10 लाख लीटर पानी रिचार्ज होता था, हम कुएं से बल्टी से पानी निकालते, तालाब से पानी रिचार्ज नहीं होता, होता है तालाब से जितना पानी